हो क्या रहा है? मैं तुझसे इतनी ज्यादा गुस्सा हूँ इस वक्त कि मेरा सच में मन कर रहा है कि मैं तुझे खींच के एक थप्पड़ मारूं तुझे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तुझ पे। नीति को समझ में नहीं आ रहा कि भाई फिंगरप्रिंट्स कैसे चेंज हो गए। यहाँ पर जो पहली रिपोर्ट मंगाती है वो रिपोर्ट तो गायब हो जाती है, हमें पता ही है कि पार्वती वो सारी चीजें करती है। अब दूसरी बार वो एक्सपर्ट भी बुलाती है और उसको बोलती है परी को कि भाई तुम सामने मेरे हाथ रखो और यहाँ पर सामने में मैच करके तुम्हें एक्सपोज करूंगी। यहाँ पर भी वो गलत साबित हो जाती है। तो अब नीति को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया कि भाई मैच ही नहीं करा। भाई हमें पता ही है ना कि परी यहाँ पर अपना हाथ जला लेती है और जब वो हाथ ही जला लेगी तो कैसे फिंगरप्रिंट्स मैच करेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि राजीव से छीन लिया है परिवर्तन और अंबिका और परी मिलकर बना रहे हैं एक पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं। ऐसी मुझसे एक शब्द निकाला ना, सच में थप्पड़ मार दूंगी मैं तेरे। कहाँ लगी दिखा। उससे पहले भाई राजीव और नीति में झगड़ा हो जाता है क्योंकि नीति बार बार बुला रही थी ना एक्सपर्ट को कि भाई फिंगरप्रिंट्स करा लो और मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर राजीव ने बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे संग इस घर में नहीं रह सकता और राजीव जो है वो घर छोड़ के चला जाएगा। वही हम देख रहे हैं कि पार्टी में ना भाई राजीव भी पहुंच गया और नीति को नहीं लेके जाता। अब जब नीति को पता लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बच्ची को मेरी बेटी को इतना दर्द है? क्यों किया तूने ऐसा? हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते ना। मुझे देखा आपको समय, मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? मैं तो बहुत गुस्सा करने लगती है और दिलजीत और गुरविंदर के ऊपर भी गुस्सा करती है कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि राजीव अकेला चला गया, मुझे भी तो साथ में जाना था। और वहीं देख रहे हैं कि नीति भी भाई आ जाएगी यहाँ पर पार्टी में और यहाँ चल रहा होगा एक रोमांटिक सा राजीव और परी के बीच में डांस। अब भाई राजीव और परी तो डांस कर रहे हैं और नीति ना दूर से खड़े होकर देख रही है। तो अभी फोन करेगा तो बात कर जाएगी, कल कर लेना आराम से। जो बात होगी आज होगी। माँ उसने जो मेरे साथ किया मैं इग्नोर कर सकता हूँ, मेरी परी का स्टैच्यू। तो ये सीन बड़ा मजेदार है क्योंकि भाई हमें पता ही है ना कि राजीव सच में परी से प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलतफहमी हो गई है परी को। परी को लग रहा है कि नहीं, राजीव तो मुझे जान से मारने की कोशिश करता था जो नीति ने उसको बताया है। तो ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी, लेकिन अभी तो हम बहुत रोमांटिक से डांस देख रहे हैं और नीति जो है ना वो देख देख के जल रही है। और यहाँ पर भाई राजीव ना एक्चुअली फंसाना चाहता है परी को अपने जाल में। राजीव को लग रहा है कि भाई मुझे किसी तरह परिवर्तन तो लेना ही है, लेकिन मुझे ये भी प्रूफ करना है कि ये परी है। और यही हम देखेंगे कि पायल उसके हाथ में आ जाते हैं जो परी के होते हैं और पायल जैसी देखती है ना परी बहुत इमोशनल हो जाती है, उसको राजीव की याद आने लगती है।